आणि या क्षणाची अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी येते. शिवूर लोकसभा आणि विधानसभा मतदार संघातील विकासासाठी भाजपला संधी द्या असं विधान केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह यांनी केले. पाहूयात त्या नेमके काय म्हणतायत ते. विधानसभा आणि लोकसभेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येत असलेल्या आळंदी भीमाशंकर तसेच चुन्नर मधील ओझर व शिवनेरी येथील धार्मिक स्थळांना आदिवासी विकास मंत्री रेणुका सिंह यांनी नुकतीच भेट देऊन तेथील भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून आगामी काळात विकास कामासंदर्भात चर्चा केली. शिरूर लोकसभा प्रवास योजनेच्या उपक्रमातील दौऱ्यात आळंदी येथील संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधी मंदिरास त्यांनी सदिच्छा भेट दिली आणि दर्शन घेतले. आज दिन में जितनी भी संस्थाओं में मिले अधिकतर लोगों ने बैलगाड़ी को वो पूरा प्रारंभ करके ये जानने की बात कही. कई ऐसी लंबी परियोजनाएं हैं जिनका समाधान जिनके लिए फंड भारत सरकार से लाए जाने की जरूरत है, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे वो उड़ान स्कूल के माध्यम से एयरपोर्ट हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो और कई मांग. अब इन प्रस्तावों को जनता की आवाज़ को मुझे भारत सरकार के तमाम मंत्रालय के मंत्रियों के पास लेकर जाना है और ये ऐसी बातें हैं, ऐसी मांग है जिनके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं, सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है. इच्छा शक्ति की कमी हमारी सरकार के पास नहीं है और नहीं फंड की कोई दिक्कत है, क्योंकि आज की तारीख कि भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया की पांचवी आर्थिक ताकत बन चुकी है और भविष्य में हम नंबर 3 पर आने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहे हैं. अभी 2 दिन का मेरा और प्रयास प्रवास, इसके बाद भविष्य में मैं फिर से आऊंगी और ये 3 दिनों में जनता की समस्याएं जो मुद्दे मेरे सामने आएंगे इसके लिए कल जिला प्रशासन के साथ मेरी बैठक भी है. मैं उनसे जरूर ये पूछना चाहूंगी, क्या आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री कृषि सम्मान. ज्ञानेश्वर पाटेकर, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, पुणे.